जिला बरेली के तहसील बहेड़ी के ब्लॉक दमखोदा से समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी वफा उर रहमान का पर्चा बगैर किसी वैध कारण के निरस्त कर दिया गया। इसके विरोध में धरने पर बैठे पूर्व मंत्री अताउर रहमान व जिला अध्यक्ष अगम मौर्य, जिला सचिव आरिफ एडवोकेट, विधानसभा अध्यक्ष नासिर रजा खां, जिला कोषाध्यक्ष रविन्द्र यादव, हाजी जाहिद हुसैन गुड्डू, पूर्व चेयरमैन शीशगढ़, पूर्व ब्लॉक प्रमुख आदेश यादव गुड्डू, जिला सचिव तारिक लिटिल, जिला उपाध्यक्ष चौधरी विजेंद्र पूर्वादी मौजूद रहे। तीन बजे इन्होंने कहा था कि पर्चों की जांच होगी, उसमें आप 3 बजे आ जाएं। जब हमारे प्रत्याशी अनुमोदक प्रस्तावक गए तो एक को अंदर सिर्फ किया और उनको इसके भी साथ बदतमीजी करके उनको बाहर भगा दिया। और हम लोग DM से, SSP से, ADM से और ये CO साहब खड़े हैं, ये हैं, सबसे हम बात करते रहे और सब यही कहते रहे कि नहीं कुछ नहीं होगा और आपका पर्चा वहाँ अंदर किसी को बुलाया नहीं गया है। इन्होंने जाने नहीं दिया और जब पर्चा खारिज कर दिया तब बुलाया। ये लोकतंत्र की हत्या है और इन सबको समझ लेना चाहिए, सरकार कोई अमर नहीं है। आज इनकी है, कल हमारी होगी। निष्पक्ष चुनाव में औकात नहीं है यहाँ के विधायक की। वो चुनाव जीतना तो छोड़ दो, जमानत नहीं बचा सकता यहाँ। हमारे पास इतने हमारे समर्थन में वोटर हैं, लेकिन जिस तरह से ये धांधली की गई और कुछ ये भी नहीं बताया कि किसकी वजह से ये कैंसिल करा गया पर्चा। पुलिस ने मीडिया को जहाँ नामांकन दर्ज हो रहा था उससे आधा किलोमीटर पहले ही रोक दिया था, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? पुलिस का क्या रोल है? नहीं, पुलिस का ही सबसे ख़राब रोल है। ये CO साहब बैठे हैं, इन्होंने तो पहले से तय कर रखा था कि मुझे दुष्यंत की पत्नी को जिताना है। यहाँ जितना भी फोर्स है, भाई हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग जब जो प्रोग्राम चाकआउट हुआ, 3 बजे तक नामांकन का टाइम था, 3 बजे से पर्चों की जांच का टाइम था और 3 बजे के लिए हमसे कहा गया था कि आप लोग 3 बजे आप आ जाएं। जब हमारे लोग गए तो 3 बजे अंदर नहीं किया गया, और ब्लॉकों में किया गया लेकिन यहाँ पर अंदर नहीं किया गया। ये CO साहब कहने लगे कि मुझे आदेश चाहिए किसी का। अब किसका आदेश ला के दें? क्या आगे की क्या रणनीति है आपकी? नहीं, आंदोलन करेंगे इसमें पूरी तरह से। आपके ये कौन कौन से पर्चे हैं? अभी तो यही पता नहीं लगा है खारिज किस बात पे करा है। ये तो पता लगे कि खारिज किया क्यों है। आपने अपने जो बड़े नेताओं से संपर्क करके बात की या आला अधिकारी बैठे हैं जो कप्तान हैं, DM उनसे बात की? क्या DM से कप्तान से कम अभी 10 बार बात हुई है। उन्होंने क्या कहा? बस अभी कह रहा हूँ, अरे क्यों नहीं अंदर जाने देंगे? अभी कह रहा हूँ, ADM साहब से ही बात हुई कि मैंने बता दिया है, सब एक दूसरे को बताते रहे लेकिन अंदर नहीं गया। ये साजिशन, ये लोकतंत्र की हत्या है। जिस तरह से इन्होंने LDP के चुनाव में पर्चा किसी को नहीं भरने दिया था पूरी UP में, उसी तरह से अब भी पर्चा नहीं भरने देते तो ठीक रहता। पर्चा भरवा लिया, जांच के नाम पर पर्चा खारिज कर दिया। अब हम भी ये तो बताओगे कि खारिज क्यों किया है, ये भी नहीं बताया कि खारिज क्यों किया है। अच्छा, जो सर आपने आला अधिकारियों से ऊपर बात की है तो आपको अंदाजा है कि आप लोगों की बात सुनेंगे? ये नहीं, कोई मतलब ही नहीं है सुनने का। अगर सुनी होती तो फिर ये निष्पक्ष नहीं होता। सुनने का मतलब कहाँ है? अगर सुना होता तो इसमें क्या बुराई है बताइए? अगर किसी का पर्चा खारिज होगा तो आप बताओगे नहीं क्यों खारिज हुआ है? और आप जब 3 बजे का टाइम आपने दिया तो आप 3 बजे आप प्रत्याशी को, अनुमोदक और प्रस्तावक को बुलाओगे नहीं अंदर पर्चे जांच के लिए? तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है, सरासर जाती है। और लेकिन हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, आंदोलन करेंगे इसमें। और विधायक जी की इतनी हिम्मत नहीं है कि चुनाव लड़ लें। कोई सा भी चुनाव, जमानत जब्त होगी हर चुनाव में। ब्लाक बुरमुखी के चुनाव में जमानत ब्लाक बुरमुखी के चुनाव में इनकी जमानत जब्त हो रही थी, तब ये प्रशासन का सहारा लेकर पर्चे कैंसिल किए गए। अगर हिम्मत होती तो चुनाव लड़ते। ऐसा है कि जो BDC आपके बता रहे हैं, आपके हैं, वो जब वोट डालने नहीं जाएंगे तो जमानत जब्त तो वैसी हो जाएगी, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके जो BDC हैं, अगर यहाँ वोट डालने नहीं आएंगे किसी के, आपके अगर आपका पर्चा खारिज होता है तो उनके भी नहीं डालेंगे और आपके भी नहीं पड़ेंगे तो जमानत तो वैसी दर्ज होगी, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, जब इन्होंने पर्चे खारिज कर दिए तो अब इलेक्शन ही नहीं होगा, निर्विरोध हो गए। इनमें हिम्मत नहीं है चुनाव की, हिम्मत नहीं है चुनाव की। और 2022 में इन्हें औकात पता लग जाएगी। कितने सेट आपने दाखिल किए थे? आपकी तरफ से कितने सेट दाखिल हुए थे सर? तीन सेट दाखिल किए थे। तीनों में क्या रहा अभी क्लियर पता चला नहीं? दो सेट वफा और रहमान साहब ने दाखिल किए थे और एक सेट परवीन जहां ने दाखिल किया था। दोनों पर्चे खारिज कर दिए। अरे हिम्मत है तो चुनाव लड़ो ना, पता लग जाएगा। लेकिन चुनाव लड़ने की हिम्मत है नहीं, अभी सरकार है, कोई बात नहीं। सरकार जब बदलेगी
तो सब कुछ पता लग जाएगा। नहीं, समाजवादी पार्टी तो ऐसी पार्टी है, सरकार ना हो तो भी सड़कों का आया तभी तो हमने अभी क्या कहा, आंदोलन करेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। जब पर्चा भी कैंसिल होता है तो बुलाया जाता है, ये भी बायलॉज में।